खबर चंदौली से है, जहां विश्व दिव्यांग दिवस के मौके पर स्वयं सेवी संस्था द्वारा जुलूस निकालकर दिव्यांगों का हौसला अफजाई करने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। वहीं दिव्यांगों के उत्साहवर्धन के लिए संस्था ने सप्ताह भर के विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए और उसकी रूपरेखा बनाई। इस मौके पर संस्था के लोगों ने दिव्यांग बच्चों का एक जुलूस निकालकर नगर भ्रमण किया, जिसके बाद उन्हें सम्मानित करने का भी कार्य किया गया। समाज से उपेक्षित बच्चों को संस्था ने एक नई उम्मीद देने की पहल करने का कार्य किया, ताकि बड़े होकर ये दिव्यांग बच्चे स्वावलंबी बन सकें। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा है संस्था के प्रिंसिपल ने और उनसे बात की हमारे संवाददाता अशोक जायसवाल ने। मैं बाबूराव प्रधान आचार्य, सम्मान विशेष विद्यालय तथा सम्मान टीचर ट्रेनिंग सेंटर, अलीनगर मुगलसराय। आज दिव्यांग दिवस के अवसर पर हम लोगों ने दिव्यांग बच्चों और यहाँ के ट्रेनिंग सारे स्टाफ मिलकर दिव्यांग बच्चों की रैली निकाली गई। रैली में स्कूल से लेकर अलीनगर के आलूमिल चौराहा तक रैली का आयोजन किया गया। आलूमिल चौराहे से फिर स्कूल तक रैली का आयोजन किया गया था। इस दिव्यांग दिवस के अवसर पर हम लोगों ने संस्था की तरफ से सप्ताहव्यापी कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस सप्ताहव्यापी कार्यक्रम में कल 3/4/2017 को प्रदर्शनी कार्यक्रम रहेगा, 5/12/2017 को चित्रकला प्रतियोगिता रहेगी, 6/12/17 को खेलकूद प्रतियोगिता रहेगी, 7/12/2017 को विकलांग पुनर्वास के क्षेत्र में आधारित क्विज कंपटीशन रहेगा, वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए आयोजन किया गया है। लास्ट डे इस सप्ताहव्यापी कार्यक्रम में जिन बच्चों ने प्रतिभाग लेकर